हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्री क्योर की रिवीजन सीरीज में आज हम जुलाई का मंथ देखते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल एज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में। सो आईआर के अगर आप सेक्शन में देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस किया था उस टाइम पे, जिसमें इंडिया को यूनैनिमसली नॉमिनेट किया गया था बाय द एशिया पैसिफिक ग्रुप फॉर इलेक्शन इन 2021-22। ठीक है जी, तो इस के ऊपर आप थोड़ा यूएनएससी की पावर्स को देख सकते हैं, नॉन परमानेंट परमानेंट मेंबर में क्या डिफरेंस है, ऐसी चीज़ों के ऊपर थोड़ी नज़र डाल सकते हैं। एंड इंडिया जैसे पहले भी नॉन परमानेंट सीट के ऊपर दावेदार रहा है एंड इट हैड बीन इलेक्टेड बैक इन 1950-51। तो ये नंबर ऑफ टाइम्स हैं, कुछ 7-8 टाइम्स इंडिया हैड ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू दिस नॉन परमानेंट सीट। तो इसके ऊपर आप थोड़ा और एक बार रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे इसको। उसके बाद सिस्टर सिटीज़ का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। सिस्टर सिटीज़ इंडिया चाइना जापान एंड नेपाल के साथ मिलकर एक नई एंगेजमेंट स्टार्ट कर रहा है सिस्टर सिटीज़ की। बेसिकली दो सिटीज़ इन टू डिफरेंट कंट्रीज सिमिलर लाइन्स के ऊपर डेवलप की जाएंगी, ऑब्वियसली बाय मोर डेवलप्ड कंट्री। तो नेपाल के साथ हमारा जो बुद्धिस्ट लिंक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सिस्टर सिटीज़ को डेवलप करने की जो एक परियोजना थी। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास पेरिस पैक्ट इनिशिएटिव है। तो इसको एनवायरमेंट वाले पेरिस पैक्ट के साथ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना, ये ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। तो इसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वी हैव अ टेंडेंसी कि जो ज़्यादा न्यूज़ में चीज़ रहती है, फॉर एग्जांपल पेरिस पैक्ट जो हमारा 2015 की पेरिस क्लाइमेट डील है, उसके साथ इसको कंफ्यूज करने की टेंडेंसी हो सकती है। तो इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है जी, तो उसको पेरिस डील बोलते हैं बेसिकली। दिस इज़ पेरिस पैक्ट इनिशिएटिव एंड कौन सी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व्ड हैं एंड ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, और अगर कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशन या कोई इनिशिएटिव मिलता है तो उसको भी पैरेलली देखते रहिएगा। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास सागर मैत्री है। तो ये एक रिसर्च वेसल है DRDO की, एंड क्या इसकी एम है, कब इसको लॉन्च किया गया, कौन इसको ऑपरेट करेगा, तो ऐसी बेसिक चीज़ें आपको अगेन रिवाइज करनी है सागर मैत्री के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है जी, तो इसके बाद अब मूव करते हैं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर हम गए साइंस एंड टेक में, तो यहाँ पर टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा थे, जैसे इंटरनेशनल पल्सर टाइमिंग एरे है ना, रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स रेडियो एस्ट्रोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में ही है। वेरियस टेलीस्कोप्स हमने लगाए हुए हैं इन द एटमॉस्फेयर, इवन ऑन अर्थ हमने लगाए हुए हैं कितने सारे टेलीस्कोप्स जो स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्स को, यूनिवर्स से जो वेरियस रेडिएशंस आ रही हैं उनको स्टडी करते हैं, ताकि हम खोज पाएं कि कैसे जो एवोल्यूशन हुई, कैसे हमारा जो बिग बैंग थ्योरी है उसके पीछे क्या रीजंस रहे। तो वी आर ट्राइंग टू अनसॉल्व या रिजॉल्व वेरियस मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। तो इसीलिए ये सब जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, ताकि हमें अर्थ की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। एंड प्रेजेंटली ऊटी रेडियो टेलीस्कोप भी है एक इंडिया में, एंड देन वी हैव जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप पुणे में। तो जो इंडिया के टेलीस्कोप्स हैं स्पेसिफिकली, उनके ऊपर थोड़ी नज़र डाल लीजिएगा। ग्रेविटेशनल वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लीगो दैट इज लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जो कि महाराष्ट्र में हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जो ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करेगी। ठीक है जी, ग्रेविटेशनल वेव्स एंड न्यूट्रीनोज में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कन्फ्यूजन हो सकती है। एंड मोरोवर न्यूट्रीनोज के कॉन्टेक्स्ट में भी हम तमिलनाडु में एक ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं, इंडियन न्यूट्रीनो ऑब्जर्वेटरी। तो न्यूट्रीनोज क्या हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या हैं, क्या इनके फीचर्स हैं, यू नीड टू नो दैम। उसके बाद 3D एक्सरे मैप ऑफ यूनिवर्स कौन बना रहा है, कैसे बनाएंगे, एंड मोरोवर कौन कौन सी वेवलेंथ्स में हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स को, ये जो 3D एक्सरे मैप है ये कैसे डिफरेंट होगा हमारी जो विजुअल रेंज है उससे, एंड कौन कौन सी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, इन सब चीज़ों का आपको जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। हमारे पास वॉलबाचिया है, विच इज़ अ बैक्टीरिया, जिसको मॉस्किटोज़ को जिससे इन्फेक्ट करके भेजा जाएगा, ताकि वो डिजीज़ कॉजिंग वायरस को रेप्लिकेट होने से बचा सके इन द गट ऑफ मॉस्किटोज़। ठीक है जी, तो ऐसी चीज़ें कई बार ऐसे टर्म्स पूछ लेते हैं, व्हाट वाज दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूज़ एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर हम रिवाइज करते रहेंगे तो हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के टाइम पर। देन हमने सेंसर्स बनाए टू स्निप आउट एक्सप्लोजिव्स, एंड रिसेंटली ही एक रेडर एक्स नाम की डिवाइस बनाई है DRDO ने, जो कि डिटेक्ट करेगी इनको, हमारे एक्सप्लोजिव्स को। तो अकॉर्डिंगली न्यूज़ जो भी वेरियस न्यूज़ आ रही है उनको आपको कंपाइल भी करना है एंड लिंकेज भी ड्रॉ करना है। जैसे अब सेंसर से हम एक और स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, अब हमारे पास एक डिवाइस भी है जो कि डिटेक्ट करेगी, है ना। देन वी हैव पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न,
रिसेंटली भी कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में, अगेन इट माइट बी इन न्यूज़ है ना, पहले जैसे इबोला वायरस के कॉन्टेक्स्ट में थी, तो इसलिए जो जनरल टर्म्स हैं जो डिफाइन करते हैं टर्मिनोलॉजी जो है बेसिकली, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते. डर्टी फ्यूल क्या है एंड हाउ डू वी कैटेगराइज इट, अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्राजाइन क्या इस केमिकल का रोल है एट्सेट्रा, तो ऐसी चीज़ों को वी हैव नीड टू कीप अ टैप ऑन सच थिंग्स. सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या है, क्रायोजेनिक से कैसे डिफरेंट है ना, क्या इसमें चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीडाइजर होता है, वेयर एज जो फ्यूल है उसको उस द फ्यूल इज एट नॉर्मल टेम्परेचर, वेयर एज द ऑक्सीडाइजर को हम एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर्स पर रखते हैं. क्रायोजेनिक में कैसे होते हैं, दोनों चीज़ें कोल्ड होती हैं है ना. इसके बाद हमारे पास मिल्की वे से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन थी, तो हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, दैट यू कैन रीड. एंड इसके बाद क्या है, गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ये ऑब्जर्वेटरी है, एक टेलीस्कोप है बेसिकली, तो क्या एम था इसका है ना, तो ऐसी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है. देन वी हैव वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो इंडिया की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर हमें ये जो कुछ इंसाइट्स देगा. हिडन हंगर क्या है, देन वी हैव स्टंटिंग एंड देन वी हैव वेस्टिंग है ना, तो ऐसी चीज़ों को यू नीड टू लर्न कि क्या डिफरेंसेस, सटल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे वेट, लो वेट टू हाइट है या लो हाइट टू एज है, तो यू नीड टू ऐसे पिन पॉइंट कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो क्वेश्चन में चीज़ें ऐसे ही थोड़ी जो एग्जाम में बेसिकली ऐसी चीज़ों को ट्विस्ट कर दिया जाता है, देन वी आर कन्फ्यूज कि दोनों में से था थी तो कोई एक चीज़, बट इसी वजह से हम मात खा जाते हैं वहाँ पे. ठीक है जी. एंड देन वी हैव WHO की कुछ सेल्फ केयर गाइडलाइंस, तो अगेन थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन इफ़ यू रीड इट थ्रू तो कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ टर्म्स आ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी ज़्यादा सर्जरीज साउथ इंडिया में स्पेसिफिकली HPV की वजह से होती हैं, तो अकॉर्डिंगली इसके ऊपर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है. देन हमारे पास रामानुजन मशीन है, रामानुजन वॉज अ ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन, तो अब ये मशीन कैसे डिफरेंट है, बिकॉज इट इज़ रियली नॉट अ मशीन बट एन एल्गोरिदम, एंड ये अनकन्वेंशनल तरीके से काम करती है. बेसिकली मशीन्स में क्या होता है कि आप इनपुट देते हैं एंड देन इट सॉल्व्स द थिंग, एंड उसके बाद आपको एक आउटपुट, एक रिजल्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम रिजल्ट देंगे एंड ये मशीन क्या करेगी, उसकी एक इक्वेशन बना के हमें देगी. ठीक है जी. तो एंड थोड़ा रामानुजन के बारे में भी जान लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ दे आर ऑल्सो आस्ट टाइम टू टाइम, तो इसीलिए इनके बारे में भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए, जैसे कब ही वॉज बॉर्न, किसी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहे हैं, क्या मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रही है ना, तो ऐसी चीज़ें. इसके बाद इंटरनेट साथी क्या है एंड कौन कौन से क्या प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ इसमें या प्राइवेट कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं या फिर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ना, एंड कैसे हमारी ओवरऑल सोसाइटी में कैसे बेनिफिट लाएगा ये, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे. एंड फाइनली वी हैव PMSTIAC विच इज़ प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कौन इसके मेम्बर्स होंगे, क्या इसकी एम है, एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन साइंस कांग्रेस जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयर होते करते हैं इस पूरे मीट को. ठीक है जी. सो That is all for the day. Thank you.